नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा के लोग भोली वाली हिंदू लड़कियों को अपनी जाल में फंसा कर धर्मांतरण करवा रहे हैं। जिहादी लोग हमेशा ऐसी ही योजना बनाते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद से सामने आया है, जहां लड़की ने दुर्गा का रोध रूप धारण कर मुस्लिम युवक को सबक सिखाया है। दरअसल मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में रहने वाला असलम उर्फ राजू मजदूरी का काम करता था। कुछ समय पहले उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई। इस दौरान युवक ने खुद को हिंदू बताया और लड़की से दोस्ती कर ली। इस दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया और लड़के ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद लड़की ने उसे शादी करने की बात कही तो असलम ने जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद लड़की को असलम की हकीकत का पता चला और फिर लड़की ने बिना देर किए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की पूरी कहानी बताई। मामले की जानकारी होने के बाद महानगर धर्म प्रसार प्रमुख कुशल शर्मा अपने साथियों के साथ कंपनी बाग पहुंचे। यहां पर युवक को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले की जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि लड़की शादीशुदा है और आरोपी है। डेढ़ साल पहले दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे। लड़की के तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।